इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। शिवसेना कांग्रेस दोस्ती। 39 साल पहले शिवसेना ने कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने में मदद की थी। बाल ठाकरे ने आपातकाल का समर्थन किया था। यह दोस्तों 53 साल में 5 बड़े मौकों पर शिवसेना कांग्रेस ने एक दूसरे का सहयोग किया। बाल ठाकरे ने आपातकाल का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, इंदिरा जी ने यह इसलिए किया है क्योंकि अस्थिरता से निपटने का सिर्फ यही एक उपाय था। शिवसेना ने 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल और 2012 के चुनाव में प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया था। यह दोस्तों आज जब मुंबई में उद्धव ठाकरे शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो हम आपको ये प्रोग्राम देते हैं। महाराष्ट्र में एक महीने तक चली उठा आखिरकार शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये पहला मौका है जब कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ है। लेकिन 1966 में बनी शिवसेना के 53 साल के इतिहास में 5 ऐसे बड़े मौके आए जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का खुलकर समर्थन किया। 5 मौके वह जब शिवसेना कांग्रेस की दोस्ती दिखाई दी। शिवसेना की पहली चुनावी रैली में शामिल हुए थे कांग्रेस नेता वैभव पुरंदरे की किताब बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखा है कि शिवसेना की पहली चुनावी रैली उस समय के एक बड़े कांग्रेस नेता रहे रामा राव आदिक भी शामिल हुए थे। रामा राव और ठाकरे पुराने दोस्त थे। किताब के मुताबिक ठाकरे ने उस समय कांग्रेस शिवसेना गठबंधन पर यह भी कहा था कि हम कम्युनिस्टों को हराने के लिए साथ में आ रहे हैं। वहीं अप्रैल 2004 में सुहान पालसीकर ने शिवसेना टाइगर विद मैनी फेसेस इस किताब को वसंत सेना भी कहा जाता था। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत नाइक के साथ बाल ठाकरे कई मौकों पर दिखाई दिए। राजनीतिक विश्लेषक उदय तान पाठक बताते हैं कि 1966 में बाल ठाकरे ने शिवसेना नाम की से पार्टी बनाई थी और उनको महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक का समर्थन हासिल था, जिस वजह से वसंत सेना शिवसेना को वसंत सेना कहा जाने लगा था। तान पाठक बताते हैं कि 1971 में शिवसेना ने अपना पहला चुनाव के कामराज की सिंडिकेट के साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि बाद में इंदिरा वाली कांग्रेस का गुट ही कांग्रेस के रूप में अस्तित्व में आया। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ शिवसेना में लिखा है कि बाल ठाकरे ही ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर इमरजेंसी का समर्थन किया था। ठाकरे तो यह तक कहते थे कि मैं लोकशाही नहीं बल्कि ठोकशाही पर विश्वास करता हूं। थॉमस हेनसेन की लिखी किताब वेजेस ऑफ वायलेंस नेमिंग एंड आइडेंटिटी में इन पोस्ट कोलोनियल बॉम्बे के मुताबिक ठाकरे ने आपातकाल का समर्थन करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल इसलिए लगाया क्योंकि देश में फैली अस्थिरता से निपटने का यही एकमात्र उपाय था। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने इसके लिए शिवसेना ने उम्मीदवार नहीं उतारे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस शिवसेना की ये बहुत पुरानी दोस्ती की मिसाल है। वैभव पुरंदरे की किताब के अनुसार 1977 में बाला साहब ने बीएमसी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मुरली देवड़ा का समर्थन किया था। उसी साल हुए आम चुनाव में शिवसैनिकों ने कांग्रेस का प्रचार किया था। 1980 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त कर दिया और यहाँ दोबारा चुनाव कराए। इन चुनाव में कांग्रेस ने अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया। अंतुले और ठाकरे अच्छे दोस्त थे इसलिए ठाकरे ने चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया। सन 2007 और 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया। शिवसेना और कांग्रेस की दोस्ती राष्ट्रपति चुनाव में भी साथ दिख चुकी है। 2007 में शिवसेना ने एनडीए समर्थित भैरव सिंह शेखावत की जगह यूपीए उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। इसी तरह से 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने यूपीए के प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद प्रणब मुखर्जी बाल ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री भी गए थे। जब पवार की बेटी को सांसद बनाने के लिए बोले थे ठाकरे, कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कमलाबाई कहा था और अक्सर कहते थे। बाल ठाकरे ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शरद पवार से भी अच्छे संबंध रहे हैं।
पवार से तो उनकी दोस्ती इतनी थी कि ठाकरे ने उनकी बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारा। दरअसल 2006 में सितंबर 2006 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है कि बाल ठाकरे ने उन्हें फोन किया और बोले, मैं सुन रहा हूँ कि सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और आपने मुझे बताया नहीं, मुझे यह खबर दूसरों से क्यों मिल रही है। इस पर पवार ने उनसे कहा, शिवसेना भाजपा गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके बाद ठाकरे ने उनसे कहा, मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। तो पवार ने कहा, भाजपा का क्या करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, कमलाबाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।